कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। इस दरमियान नीतीश कुमार संग पीएम मोदी की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वहीं अब नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में अपने राज्य में स्किल सेंसस कराने की बात कही है। चंद्रबाबू नायडू ने इंडिया गठबंधन के एजेंडे की आलोचना करते हुए कहा कि जाति जनगणना के बजाय कौशल जनगणना की ज्यादा जरूरत है। अगर नायडू की यह योजना रंग लाती है तो इस तरह की जनगणना कराने वाला आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। यह जनगणना हमें हमारे वर्कफोर्स की कैपेसिटी और खामियों को उजागर कर सकेगी। माना जा रहा है कि नायडू की इस पहल से मानव संसाधन का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकेगा। सोशल मीडिया पर नायडू की इस पहल का स्वागत किया जा रहा है। ज़्यादातर लोग इस पूरे भारत में लागू कराने की बात कर रहे हैं। दरअसल आज हर ओर जब जाति जनगणना, धर्म आधारित जनगणना की बात हो रही है, तो ऐसे में नायडू की यह पहल बेहद क्रांतिकारी साबित हो सकती है। एक्सपर्ट के अनुसार नायडू की यह पहल इतनी अच्छी है कि यह पूरे देश के लिए नज़ीर साबित हो सकती है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के अहम घटक तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यू आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठाती रही है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की इस मांग का पूरा होना लगभग असंभव माना जा रहा है, लेकिन एनडीए के इन दोनों ही अहम घटक दलों की इस डिमांड को पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार अगले महीने पेश होने वाले बजट में बीच का रास्ता निकाल सकती है। केंद्र सरकार राज्यों को दिए जाने वाले 50 साल की बजाय राहत ऋण की राशि में 20% तक का वृद्धि का ऐलान बजट में कर सकती है। यह लोन लेने के राज्यों को कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। मोटे तौर पर यह शर्तें आर्थिक सुधारों से जुड़ी होती है, जिन्हें मानना राज्यों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही राज्य सरकारों को ब्याज रहित लोन लेने को प्रोत्साहित करने को शर्तों को भी आसान बना सकती है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में एक साथ हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 6 महीने पहले तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से भावुक अपील करते हुए कहा था कि या तो वे उनकी पार्टी में को सत्ता में लाए या फिर वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। कुर्नूल में भावुक नायडू ने कहा था कि यदि आप मुझे और मेरी पार्टी को विधानसभा में भेजेंगे तभी आंध्र प्रदेश में विकास होगा, नहीं तो यह मेरा आखिरी चुनाव होगा। तब लोगों को लगा कि 74 वर्षीय TDP प्रमुख का राजनीतिक करियर खत्म होने वाला है। वह इस बात से अनभिज्ञ थे कि 2024 के चुनाव में नायडू की पार्टी का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।